Okay, so basically, what is anomalous behavior of water? Water has a special tendency due to which its volume and temperature, in दोनों के बीच में का जो relationship है, वो थोड़ा सा strange है. ये देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, सभी substance के लिए ऐसा होता है कि जैसे जैसे उनका volume बढ़ता है, जैसे जैसे उनका temperature बढ़ता है, तो वैसे उनका volume भी बढ़ता है. जैसा कि हम देखते हैं, अगर एक ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे जिसमें एक्स एक्स वाई एक्सिस पे हम अगर वॉल्यूम प्लॉट करेंगे और अगर एक्स एक्सिस पे अगर टेम्परेचर प्लॉट करेंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है. नो डाउट. तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है वो एक सिंपल सा एक इंक्रीजिंग वाला ग्राफ होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे. तो सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ वाटर ऑल्सो. तो वाटर के बारे में भी अगर हम देखेंगे, सपोज ये जो है, ये सपोज 10 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं, दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस, दिस इज सपोज 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन अप टू सो फोर्थ. तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो वैसे वैसे ये जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है, और ये हम इस ग्राफ में से क्लियर देख सकते हैं. ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम जो है कुछ इतना होगा, समझ सकते हैं. सपोज वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, नो डाउट. लेकिन कहाँ तक वो कम होता है तो वो अगर हम देखेंगे ठीक से तो पता चलता है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक. ये जो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है, ये एक स्पेशल टेम्परेचर होता है जो कि 4 डिग्री सेल्सियस तक ये वॉल्यूम कम होता जाता है. सो यू कैन से दैट दिस वॉल्यूम विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली विद द टेम्परेचर व्हेन दिस टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड. तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है वैसे वैसे वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी कम होता जाएगा, नो डाउट. लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो मिनिमम बनेगा. और अगर इफ द वॉटर इज कूल्ड स्टिल बिलो, जैसे हम वाटर का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से और नीचे लेके जाते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन लाइक दैट, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग फर्दर. तो ये जो होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, देन से दिस इज द 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, एंड दिस फिनोमेना इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. So the volume of water is minimum at 4 degrees Celsius and it increases below if it is cooled below 4 degrees Celsius. So agar water ko hum 4 degrees Celsius se bhi niche cool karenge to usme volume jo hai wo badhta jata hai, badhta hai. And this phenomena basically is called as anomalous behavior of water. Even we can express this using a graph, another graph which is in density and temperature. तो डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पे वही वही करेंगे, यहाँ पे भी हम अलग अलग टेम्परेचर्स प्लॉट करेंगे. ये सपोज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, ये सपोज यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एंड सो ऑन लाइक दैट. सो एंड दिस इज सपोज 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विच इज अ स्पेशल वन. तो देखा जाता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो डेंसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज वॉल्यूम इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. तो जैसे वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ता जाता है एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एंड बिकम्स मैक्सिमम एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग फर्दर. तो जैसे ही ये टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसका डेंसिटी जो है, वाटर का डेंसिटी कम होना चालू होता है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये जो पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस पॉइंट, तो वहाँ पे वाटर का जो डेंसिटी है वो सबसे कम हुआ करता है. और इसीलिए जब वो आइस बनता है उस समय उसका जो डेंसिटी है तो वो हमेशा वाटर के कंपेरिजन में, मतलब जो 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के कंपेरिजन में कम रहता है. तो ये हम देख सकते हैं, और यही रीजन है क्यों अगर सपोज कोई भी दूसरा सब्सटेंस जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ वाटर के अंदर ही ऐसा प्रॉपर्टी है, तो
कोई भी दूसरा सब्सटेंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो उसका लिक्विड और सॉलिड अगर हम एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो हमेशा सॉलिड लिक्विड के अंदर डूबता है। लेकिन अगर वाटर की बात की जाए तो ये समझे वाटर हमने यहाँ पे रखा हुआ है और उसके अंदर अगर हमने आइस डाल दिया तो आइस का जो क्यूब है वो हम देख सकते हैं आराम से कि इट ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये जो फ्लोटेशन का जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है हमको पता है ऑलरेडी कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन ऑलवेज टेल्स अस दैट व्हेनेवर द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन दैट बॉडी विल फ्लोट एंड इफ द डेंसिटी इज मोर देन द बॉडी विल सिंक डाउन। तो यहाँ पे जो आइस है आइस के फ्लोट होने का जो रीजन है यही है कि आइस फ्लोट इसीलिए होता है क्यों क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो आइस का जो डेंसिटी है वो एक्चुअली कम है जो कि वाटर के डेंसिटी के कंपेरिजन में। तो लिक्विड स्टेट में डेंसिटी ज्यादा है और जबकि आइस स्टेट में मतलब सॉलिड स्टेट में इसका डेंसिटी कम होता है और इसीलिए आइस फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। तो ये इसमें एक बात है और ये बात एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक तरह से इवन ये भी याद रखो डेंसिटी कम होता है ये एक बात है और वॉल्यूम बढ़ता है ये दूसरी बात है। इसका मतलब ये भी हो गया कि आइस का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली उतनी ही अमाउंट के वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा हुआ करता है। तो वाटर का वॉल्यूम और आइस का वॉल्यूम अगर हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि आइस का वॉल्यूम जरूर ज्यादा होता है वाटर के वॉल्यूम के कंपेरिजन में। तो ये जो है आइस वाटर को फ्रीज करने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है ये बात ही एक तरह से एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहलाती है। और ये बात जो है एक तरह से हमारे लिए कोई कोई सिचुएशंस के अंदर देखा जाए तो अच्छी बात भी है लेकिन कोई कोई सिचुएशंस के अंदर उससे डिसएडवांटेजेस भी है तो कुछ नुकसान भी है। जैसे नुकसान के बारे में अगर बात की जाए तो ये है कि जो पाइपलाइंस होते हैं समझो ये पाइपलाइंस है विंटर सीजन में मोस्टली जो होते हैं पाइपलाइंस जिसके अंदर वाटर कैरी किया जाता है तो इस जैसे हम ये पाइपलाइंस अगर बंद कर देंगे और उसके अंदर अगर वाटर कंटेंट है और अगर टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर पहुंच गया इवन 0 डिग्री सेल्सियस के करीब अगर चला गया तो ये जो वाटर है ये एक्चुअली आइस बनेगा। जब भी वो आइस बनता है तो इट विल ट्राई टू एक्सपांड एंड इन ऑर्डर टू एक्सपांड इट विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दिस वॉल्स ऑफ दिस पाइपलाइंस एंड बिकॉज ऑफ दैट पाइपलाइंस कैन ब्रेक एक्चुअली। तो इतना फोर्स जब एग्जर्ट होता है तो उसकी वजह से पाइपलाइंस ही फूट जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं एक तरह से डिसएडवांटेजेस है वाटर के एनिमल्स बिहेवियर की वजह से। इवन ये भी हम देख सकते हैं कि वाटर के जो एनिमल्स बिहेवियर की वजह से कुछ एडवांटेजेस भी है कुछ अच्छी बातें भी है जो हमको पता चलती है कि ये है कि अगर सपोज विंटर सीजन में जैसा कि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका वगैरह जो हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इवन बिलो -20 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे कम टेम्परेचर हुआ करता है उसमें वहाँ पे। और अगर इतना कम टेम्परेचर है तो ऐसे हालत में जो लेक्स वगैरह है जो तालाब वगैरह होते हैं तो वो तो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाने चाहिए। समझो ये एक तालाब है इस तरह से नॉर्मल जमीन का सरफेस है और यहाँ से यहाँ तक सपोज पानी है तो जैसे ही पानी का जो टेम्परेचर है वो जब -20 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा तो उसकी वजह से हम देख सकेंगे पानी जो है वो फ्रीज होने लगेगा और आइस बनने लगेगा। लेकिन जो अगर पानी अगर पूरा अगर आइस बन जाए तो उसमें हम जो मछली वगैरह या जो तैर रहे होते हैं जो सी क्रिएचर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली जकड़ जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन नेचर के अंदर ये जो अच्छी बात ये है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर एंड एट द सेम टाइम ये भी हमको अच्छी तरह से याद रखना है कि आइस इज अ बैड कंडक्टर इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इट डजंट अलाउ द हीट टू कंडक्ट थ्रू इट। तो वो बैड कंडक्टर होने के कारण और आइस वाटर के ऊपर फ्लोट होने के कारण ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि समझो अभी यहाँ पे अगर आइस जम जाता है तो एक लेयर जो आइस का है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। सपोज ये हम देख सकते हैं कि दिस इज द लेयर ऑफ आइस व्हिच इज फॉर्मड ऑन दिस सरफेस ऑफ दिस लेक। तो ये लेक का जो ऊपर का जो सरफेस है वो सपोज आइस से बना हुआ है ये समझो यहाँ पे आइस बन गया।
इज द आइस। तो एक लेयर जैसे फॉर्म हो जाता है तो वो फ्लोट होने लग जाता है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसेस होता है। उसका रीजन यही है कि आइस एज सून एज इट इज फॉर्म इट जस्ट फ्लोट्स ऑन वाटर, इट कम्स अप ऑन द सर्फेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ लेयर ऑफ आइस विल बी फॉर्म, एंड बिकॉज ऑफ दिस लेयर विल एक्ट एज अ इंसुलेटर इंसुलेशन बिटवीन द वाटर below this ice layer, which is at a temperature maybe maybe 2 degrees Celsius, maybe 1 degree Celsius, or maybe 0 degree, or maybe 4 degree Celsius, or 3 degree Celsius, no doubt. So, यहाँ पे जो temperature है, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि the temperature will obviously will be go on decreasing. Its variation will be gradual. तो यहाँ पे जो water है, उसका temperature जरूर 1 degree Celsius रहा होगा। यहाँ का जो वाटर है उसका टेम्परेचर जरूर 2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो नो डाउट ये सब जो होता है, तो लेकिन ये बात हम समझते हैं कि नीचे का जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस बनने के लिए इधर से जो है हीट इधर फ्लो होना जरूरी है। लेकिन हीट फ्लो होने के लिए आइस का जो गुड कंडक्टर होना जरूरी है, जो कि हम जानते हैं यहाँ पे कि आइस इज नॉट अ गुड कंडक्टर, एक्चुअली इट इज अ bad conductor of heat, and that's why the ice will not allow this heat to flow from this region to this region here. Even if the temperature of this region is minus 20 degree Celsius, ऊपर का जो air का जो temperature है वो minus 20 degree Celsius है, लेकिन फिर भी heat जो है वो high temperature से low temperature की तरफ नहीं flow होगा, क्योंकि यहाँ पे ice जो है वो यहाँ पे बीच में एक रुकावट पैदा करेगा, एक bad conducting layer पैदा करेगा, एक इंसुलेशन पैदा करेगा, जिसकी वजह से ही वाटर जो है यहाँ से इधर तक, सॉरी हीट जो है वो यहाँ से इधर तक नहीं जा सकता, मतलब ये ठंडी यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता। इसकी वजह से ही यहाँ पे वाटर का जो आइस बनने का जो प्रोसेस है, ये पूरा वाटर को जो आइस बनने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, और उसकी वजह से होल लेक नेवर कन्वर्ट्स इनटू आइस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन सी that all the animals the sea can be alive. So yahan pe jo animals hai wo aaram se jee sakte hai, wo liquid state mein kyunki water hai aur uski wajah se. So this is a strange behavior of water which is used or which is helpful for the sea life. Remember, this is all about the anomalous behavior of water. Let us proceed further in this chapter, that is about the radiation. तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। रेडिएशन एज वी हैव सीन लास्ट टाइम, रेडिएशन इज द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जैसा कि हम जानते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, दीज आर द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एंड आउट ऑफ दैट दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द हीट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हीट इमिट किया जाता है, जिनका वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम से लेके 2 लाख एंगस्ट्रॉम तक हुआ करता है। तो ये जो है दिस इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ रेडिएशन। सो यू कैन सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम टू 2 लाख एंगस्ट्रॉम इज कॉल्ड एज रेडिएशन। एंड एक्चुअली द रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which happen in this category, which fall in this category, are nothing but simply infrared rays jo hote hain wo, or microwaves jisko bolte hain. So microwaves ye jo hai, these are the combined called as radiation. Ye dono waves jo hai wo is category ke andar fall hote hain aur inko hi radiation kaha jata hai. Aur abhi isme jaise ki last time bhi humne baat ki thi ki radiation doesn't require any medium. Medium is not necessary. No medium is necessary. अगर medium नहीं भी होगा तभी भी ये radiation हो जाता है, तो medium के बिना भी vacuum में भी ये travel करते हैं, कर सकते हैं rays. तो इसके वजह से ये हम देखते हैं कि medium is not necessary actually. Solid, liquid, gas, nothing is compulsory. And इसके बाद हम देख सकते हैं कि this is the fastest process. तो ये जो है fastest process है, because the radiation takes place at the speed of light, that is 3 into 10 raised to
8 meters per second. Obviously, since they are electromagnetic waves, so we can say that they will travel with the same speed, that is of the electromagnetic waves. So, okay, electromagnetic waves case speed be electromagnetic waves. So, electromagnetic waves ka speed jo hai, wo utna hi hota hai, 3 to 10 raised to 8 meter per second hi hota hai, vacuum mein. So, usi speed se sab travel karte hai, speed bhi travel karta hai, no doubt. Abhi hum dekhte hai, inke properties kya sab hai. What are the properties of radiation? When the heat is emitted in the form of radiation, तो उसके क्या क्या properties बनते हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहला जो उसका property है वो अभी ये तो चलो चलो ये सब properties में ही गिने जाएंगे कि they travel without any medium or it is the fastest process, even it is emitted in the form of electromagnetic waves, ये भी properties में आ जाएगा. लेकिन at the same time we have to understand that this properties में सबसे पहली बात आती है कि when the heat is emitted in the form of radiation, it follows all the laws of reflection. So, ये जो है reflection के जो सभी laws है वो follow करता है. Not only that, it follows the laws of refraction also. So, refraction के भी laws वो follow करता है, obey करता है. इसमें हम देखते हैं कि जैसे solar cooker का अगर example देते हैं, तो solar cooker के बारे में सभी जानते हैं. If suppose this is the solar cooker. It is made up of a glass container which is coated by black color from inside, and it has a reflecting surface here. So yahan pe uska reflecting surface hua karta hai yahan pe, aur ye mana jata hai ki jab sun ke jo rays hai, sun rays, whenever these sun rays are incident, to samjho ki yahan pe sun rays jo hai yahan se incident ho rahe. This is the sun, suppose, and the rays, infrared rays and microwaves, which are called as heat rays actually, will be incident on this surface, reflecting surface actually, and they will follow the laws of reflection and will reach on this surface here. So, yahan pe ye jama ho jayenge, aur uski wajah se yahan pe hum dekh sakte hain clearly, is tarah se ye jo radiation hai, wo kaam karta hai, aur isme hum dekh sakte hain ki इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से ही सभी जो रेज है वो यहाँ से लेके इस तरफ कलेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे गर्मी पैदा होता है. यहाँ पे जो हीट पैदा होता है वो इन्हीं रेज की वजह से होता है जो कि हीट रेज कहलाते हैं. अब इसमें हम ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो तो लाइट का प्रॉपर्टी है, लेकिन लाइट को याद रखो ठीक से, लाइट में और हीट में यही डिफरेंस है कि लाइट का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ होता है लाइट का ऑलमोस्ट 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक. तो ये जो है लाइट का वेवलेंथ रेंज है, लेकिन हीट का जो रेज रेंज है ये जो हमने अभी बताया कि 8000 एंगस्ट्रॉम से लेके 2 लाख एंगस्ट्रॉम तक, तो इनको हीट रेज कहा जाता है. भले दोनों है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोनों साथ साथ ट्रेवल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम हीट. यहाँ पे हीट पैदा करने वाले जो रेज है ये एक्चुअली इंफ्रारेड रेज और माइक्रोवेव्स जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं वो है. नो डाउट लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक वेव एंड लाइट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग अलॉन्ग विद दिस इंफ्रारेड रेज एंड एज वेल एज माइक्रोवेव्स. बट यहाँ पे हमको समझना ये है कि लाइट सिर्फ हमको दिखाई देता है, वो सिर्फ देखने में आता है, रिफ्लेक्शन होता है उसका, वो हम देख सकते हैं क्लियरली. लेकिन इंफ्रारेड रेज और माइक्रोवेव्स इनका जो रिफ्लेक्शन है वो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो होता उसी बराबर उसी तरह से है इस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ करता है. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है, तो ये बात याद रखने से. और दूसरी बात कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में भी हम देख सकते हैं कि हीट इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन के भी वो लॉज ओबे करता है. जैसे कि हम जानते हैं अगर एक लेंस लिया जाए, ये समझो ऐसा लेंस है, और उसके ऊपर अगर नॉर्मल व्हाइट लाइट या सनलाइट के जो पैरेलल रेज है वो अगर इंसिडेंट हो जाते हैं, तो हमने बचपन में भी कई बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा. अगर सपोज सनलाइट जो है वो अगर हम इंसिडेंट करते हैं इस तरह से लेंस के ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो हम देखते हैं कि होता ऐसा है कि ऑल द रेज, ऑल द लाइट रेज कैन सी इट कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट due to the lens, and if we keep any object at that point, the temperature of that object gets increased.
तो ये जो सब रेज है वो कन्वर्ज हो जाते हैं यहाँ पे, ये सब जो रेज है वो स्ट्रेट जाएंगे जो सेंटर में से जा रहे हैं, तो कुछ रेज जो है वो थोड़ा बेंड हो जाएंगे इस तरफ और एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे, ये सब रेज भी यहाँ पे आके मिलेंगे। तो ये सभी रेज का एक पॉइंट पे आके मिलना इसको भी कन्वर्जेंस कहा जाता है। तो दिस कन्वर्जेंस टेक्स प्लेस नॉट ओनली फॉर लाइट बट ऑल्सो फॉर हीट, हीट के लिए भी ये कन्वर्जन होता है। हीट रेज जो है यहाँ पे जो माइक्रोवेव्स और जो इंफ्रारेड रेज आ रहे हैं वो भी सेम वैसे ही कन्वर्ज होते हैं और यहाँ पे जाके एक ही पॉइंट पे उसी पॉइंट पे जाके मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा हीट पैदा होता है। और उसकी वजह से ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ कोई भी टीली या कोई भी कागज जो है वो यहाँ पे जल उठता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट रेज और हीट रेज और रेडिएशन के द्वारा जो इमिट किया हुआ हीट है वो एक्चुअली रिफ्रैक्शन के लॉस को वे करता है और इसी वजह से ये होता है। तो ये एग्जाम्पल से हमको ये पता चलता है कि ऑल द हीट रेज और रेडिएशन के द्वारा जब हीट इमिट किया जाता है तो वो रिफ्रैक्शन के लॉस को वे करता है, सभी लॉस रिफ्रैक्शन के वे करता है, तभी तो जिस पाथ से लाइट फॉलो गुजरता है तो उसी पाथ से हीट भी गुजरता है और उसी पॉइंट पे जाके मिलता है जहाँ पे लाइट आके मिलता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पे फिर जल उठता है। लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि लाइट एंड हीट आर डिफरेंट, अगेन ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लाइट एंड हीट इज डिफरेंट इन नेचर। तो इसमें देखा जाता है कि लाइट का जो वेवलेंथ रेंज है वो ऑलरेडी हमने बताया क्या है, और हीट का जो वेवलेंथ रेंज है वो भी हमको पता है अलग है। तो इसमें भले देखने के लिए हमको देखने में लाइट आता है, लाइट कन्वर्ज होता हुआ नजर आता है, लेकिन एक्चुअली हीट पैदा करने वाला लाइट नहीं है। तो जो इनविजिबल रेज जो कि इंफ्रारेड रेज और माइक्रोवेव्स इसके अंदर जो होते हैं जो लाइट के साथ साथ ट्रैवल करते हैं तो वही यहाँ पे हीट पैदा करते हैं, ये हमको अच्छी तरह समझना है। दीज आर द प्रॉपर्टीज। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन इज सिंपली दैट दीज रेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज सिंपली अगर दो वेव्स एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, अगर सपोज एक वेव का जो है क्रस्ट अगर एक पॉइंट पे आके आता है और दूसरे वेव का भी अगर सपोज क्रस्ट ही उसी पॉइंट पे आता है, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड्स है वो ऐड होने की वजह से जो वाइब्रेशन इस पॉइंट के जो वाइब्रेशन है वो सबसे ज्यादा होंगे एंड एम्पलीट्यूड विल गेट एडअप टुगेदर। एंड इफ सपोज वन वेव एक वेव जो ट्रेवल कर रहा है उसका क्रस्ट और दूसरे वेव का जो है अगर ट्रफ अगर एक पॉइंट पे आके मिलता है तो वहां पे जो पॉइंट्स है वो कुछ भी वाइब्रेट नहीं करेंगे। दिस प्रिंसिपल और दिस हैपनिंग इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से ये सब होता है। व्हेनेवर द टू वेव्स अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑल द वेव्स। This is called as the principle of superposition. It's followed by the all the waves which are emitted by the radiation. ये है। उसके बाद चौथा जो है, चौथा property हम ये देख सकते हैं कि it consists of electromagnetic waves. मतलब electric and magnetic fields से वो बने हुए हैं। और obviously सभी जो electromagnetic waves के properties हैं, वो तो यहाँ पे हम copy कर ही सकते हैं आराम से, no doubt. जैसा कि वेव्स शो द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं, इवन दे कैन बी डिफ्रैक्टेड, इवन दे शो द पोलराइजेशन ऑल्सो, दे कैन बी पोलराइज्ड, तो पोलराइजेशन का भी वो प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। मीन्स सभी वाइब्रेशंस का एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट होना ये कहलाता है पोलराइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। दिस पोलराइजेशन इज शोन बाय द रेडिएशन। So all these are the properties of radiation. Now we'll see the next topic in this chapter, that is about the Newton's law of cooling. So what does this Newton's law of cooling tells us? We simply see it here. Newton's law of cooling. So if suppose a body is kept at a high temperature, for example, if you have some water in some container, suppose container here,
और इसके अंदर हमने कुछ वाटर लिया और देखिए उसको हीट किया वाटर किया टेम्परेचर सपोज अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस मान लो कि 70 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस तक उसको हमने हीट कर दिया सपोज 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमने रख दिया तो जैसे ये तो थर्मामीटर यहाँ पे रखा हुआ है वो उसका मेजर करेगा सपोज दिस इज अ थर्मामीटर व्हिच इज केप्ट इनसाइड द वाटर व्हिच इज गोइंग टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर और अभी हम देखते हैं कि सपोज जैसे ही हम टाइम बढ़ाते जाते हैं सपोज एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं जिसमें सपोज एक वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया टेम्परेचर जो थर्मामीटर के द्वारा दिख रहा है और दूसरी तरफ एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट किया सपोज इस टाइम एक्स एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट किया ओके सो एज वी स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंस इज इन द स्टार्ट स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि जैसा सपोज यहाँ पे एक मिनट दो मिनट तीन मिनट चार मिनट ऐसे हम अगर करते हैं टाइम को इस तरह से तो ये सब अलग अलग टाइम्स इन मिनट्स है ठीक है तो इतने टाइम को जो हमको उनको मेजर करना है तो देखा जाता है कि स्टार्टिंग में जो उसका टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है वहां से ये वाटर का जो स्टार्ट हो रहा है रेट ऑफ फॉलिंग स्टार्ट हो रहा है टेम्परेचर का फॉल स्टार्ट हो रहा है जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो टेम्परेचर गोज ऑन फॉलिंग वेरी वेरी रैपिडली इतना रैपिडली हम देखते हैं कि जो एक मिनट में उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा फॉल हो जाता है ऑलमोस्ट 5 डिग्री से फॉल हो जाता है सो जो एक मिनट हमने रुका और उसके बाद टेम्परेचर जो है 5 डिग्री से कम हो गया दो मिनट रुके और टेम्परेचर जो है 5 डिग्री से और कम हो गया तो ऐसे करते करते लेकिन एक समय आता है कि जब टेम्परेचर का जब फॉल होने का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है एंड slowly the temperature tends to become constant which is going to be the same as the temperature of surroundings suppose ye hum maan lete hain temperature of surroundings hai jo ki suppose 20 ya 25 degree celsius hai ye suppose 25 degree celsius ya 20 degree celsius hai to kya hota hai na ki starting mein jo hum dekh rahe hain yahan pe ki surrounding ka temperature aur body ka temperature in dono ke beech mein difference dekho kitna zyada hai dekh sakte hain yahan pe 80 degree celsius और ये जो है 20 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ऑलमोस्ट 60 डिग्री का डिफरेंस है तो ऐसे केस में क्या होता है कि द रेट ऑफ फॉल इज आल्सो ग्रेटर तो जिस रेट से हीट इमिट किया जा रहा है जिस रेट से टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर यहाँ पे अगर सपोज आ गया और हम सपोज यहाँ पे कहते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस उसके बॉडी का टेम्परेचर बन गया वाटर का जो टेम्परेचर है वो बन गया अभी 60 डिग्री सेल्सियस तो अभी टेम्परेचर में डिफरेंस कितना बचा है ये जो दोनों टेम्परेचर है सराउंडिंग का टेम्परेचर और वाटर का खुद का टेम्परेचर इन दोनों के बीच में सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस बाकी है और उसकी वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉल है इसको हम इस तरह से टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बता सकते हैं यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ जो टेंजेंट का स्लोप है वो जरूर उसका स्लोप कम होगा और जबकि यहाँ पे अगर हमने एक टेंजेंट का स्लोप अगर ड्रॉ किया तो सपोज यहाँ पे हमने एक स्लोप टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका स्लोप देखा तो हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ उसका एंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि उसका स्लोप बहुत ज्यादा है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो उसका बना हुआ एंगल है वो भी कम है जिसकी वजह से हमको बोलना पड़ेगा कि इसका स्लोप भी कम है और आगे जाएंगे तो ऑब्वियसली ऑल दी स्लोप्स आर नेगेटिव तो नेगेटिव में ही ये जो है मैग्नीट्यूड में लेकिन अगर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में ये बहुत बड़ा है जबकि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये बहुत छोटा है थोड़ा छोटा हो गया और आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी स्टिल स्मॉलर इन दिस केस के तो यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
तो या और यहाँ पे अगर सपोज एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे उसके साथ उसका जो बना हुआ एंगल है वो और ही थोड़ा छोटा होगा और इससे हमको पता चलेगा कि स्लोप इज गोइंग टू डिक्रीज एज वी गो फर्दर एंड एज वी गो स्टिल फर्दर हियर ऑलमोस्ट स्लोप विल बी जीरो यहाँ पे जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा लेकिन जीरो कभी नहीं होगा ये हमको समझना अच्छी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे कि द रेट ऑफ फॉल इज डिक्रीजिंग एंड द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग इज ऑल्सो डिक्रीजिंग यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे बॉडी का जो टेम्परेचर है द वाटर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से अभी अभी डिफरेंस कितना बाकी है सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बाकी है और उसकी वजह से यहाँ पे समय का जो रेट ऑफ फॉल है वो और ही कम हो रहा होगा जरूर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे रेट ऑफ फॉल भी कम होता जाता है और डिफरेंस भी कम होता जाता है तो सिंपली इन वर्ड्स द न्यूटन्स लॉ फुली टेल्स अस सिंपली दैट डी थीटा बाय डीटी डी थीटा बाय डीटी स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जो है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर सराउंडिंग्स Here, theta naught represents the temperature of surroundings. And this theta itself is represents the temperature of body only. So body ka jo temperature hai, wo yahan pe theta hai. Aur theta naught matlab surrounding ka temperature hai. Aur ye jo d theta by dt hai, it represents the rate of fall of temperature. Rate at which the temperature goes on falling down. Rate of fall of temperature. Isko hum bolenge. To ye hota hai. And this is the Newton's law of pulley. You can see clearly. The rate of fall of temperature is directly proportional to the excess temperature of the body over surroundings. इसको ही हम दूसरे words में ऐसा भी लिख सकते हैं कि d theta by dt is actually equal to some constant k that is multiplied by theta minus theta naught. This is going to be the Newton's law of pulley. The statement of Newton's law of pulley. Can see and here this can also be expressed graphically ऊपर में हमने एक graph draw तो किया ही है already but और एक graph हम draw कर सकते हैं between the rate of cooling suppose if we take the y-axis and call it as rate of cooling तो y-axis पे अगर हम plot करते हैं rate of cooling मतलब d theta by dt here d theta by dt is plotted on this y-axis suppose x-axis पे जो है वो अगर हमने थीटा को प्लॉट कर दिया थीटा तो जैसे हम देखते हैं कि the graph is just like y is equal to m x minus c के जैसा ही है तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलता है कि ग्राफ विल बी जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन बट इट विल नॉट बी पासिंग थ्रू ओरिजिन बट दिस विल बी पासिंग थ्रू सम पॉइंट अदर देन ओरिजिन Note. So we can say this will be the graph like this. The graph is the same. It will be a straight line, but it will not be passing through origin, but it will be passing through a point on x-axis, which represents this theta naught here. And if we draw the graph between same, that is d theta by dt, and theta minus theta naught here. So यहाँ पे अगर हम theta minus theta naught को ये अगर plot करते हैं इधर x-axis पे और डी थीटा बाई डी टी को अगर प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे तो हम देख सकेंगे इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन सो दिस हैपेंस दिस इज कॉल्ड एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ पुली लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्रॉस थ्रू द फॉर्मूले लेट अस सी द फॉर्मूले तो सबसे पहला है टेम्परेचर स्केल्स के बारे में तो जैसे कि हम जानते हैं फारेनहाइट स्केल में जो है टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल सेल्सियस स्केल और ये जो है स्केल केल्विन स्केल इन सबके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे TF मतलब फारेनहाइट टेम्परेचर माइनस 32 अपॉन 180 इज गोइंग टू बी TC मतलब सेल्सियस टेम्परेचर माइनस 0 अपॉन 100 व्हिच इज गोइंग टू बी इक्वल टू TK मतलब केल्विन टेम्परेचर माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 तो दिस इज द temperature relationship between the temperature scales this is the Boyle's law that is the
is inversely proportional to P, that is PV is equal to constant at constant temperature. Dusra Charles law, jo ki V upon T is going to be constant at constant pressure. And at the same time, the ideal gas equation, which tells us that PV equal to nRT for n moles and PV equal to simply RT for one mole. No doubt. Then it comes to the linear expansion. So linear expansion ka jo formula hai, wo hum ye dekh sakte hain yahan pe. So here you can see the first one is the linear expansion. So linear expansion ke bare mein agar baat karte hain, to pata chalta hai, this is going to be the formula. LT is equal to L naught into 1 plus alpha T. Or you can also write it in this form. Alpha is equal to L naught, LT minus L naught upon L naught T. But remember that there is another version of this formula. L2 is equal to L1 into 1 plus alpha into T2 minus T1. This matlab yahi hai ki jo agar suppose ye humko koi bhi do alag alag temperatures agar diye hai, to us case mein humko T2 minus T1 lena padega T ke badle. To ye formula aur ye formula dono ke beech mein itna hi ek difference hai. यहाँ पे कोई भी दो टेम्परेचर है और यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर जो है वो एल नॉट हमने बोल के रखा है, जिसके बदले यहाँ पे एल वन आ गया जो कि टी वन टेम्परेचर के ऊपर का लेंथ होता है. और यहाँ पे हमने हाई टेम्परेचर के ऊपर का जो लेंथ है उसको एल टी बोल के रखा है, जबकि यहाँ पे टी टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर का जो लेंथ है उसको हमने एल टू बोल के रखा है. नो डाउट. देन कम्स टू एरियल एक्सपेंशन. तो एरियल एक्सपेंशन जो होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमको यूज करना है. ए टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा टी, वेयर बीटा इज गोइंग टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इज द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन आल्सो इट्स कॉल्ड. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इज अबाउट द क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी उसको बोल सकते हैं. तो अब इसमें आ जाता है कि देख सकते क्लियरली you can see here for volume expansion the Vt will be equal to V naught into 1 plus gamma T. The same formula can also be written in this way, V2 equal to V1 into 1 plus gamma into T2 minus T1. Also we have the relationship between alpha, beta and gamma. As you can see here, beta equal to 2 alpha and gamma equal to 3 alpha. Means alpha is to beta is to gamma is always equal to 1 is to 2 is to 3. The next is about the stress, which is equal to force upon area. Here the thermal properties of matter ke andar ki humne formula dekhe hai already. Strain equal to change in dimension upon original dimension. Young's law is equal to stress upon strain. Next comes to specific heat. So specific heat equal to kya hota hai? C equal to Q upon M into delta T, where Q stands for amount of heat absorbed. M stands for the mass and delta T stands for the change in temperature. Remember, then this can also be written as molar specific heat. So molar specific heat jo hota hai wo hamesha molar mass multiplied by principal specific heat hua karta hai. Aur gas ke liye jaisa ki hum jante hain do specific heat ki zarurat hoti hai. Ek to hota hai molar specific heat at constant pressure aur dusra hota hai molar specific heat at constant volume. In the same way we also have the principal specific heat also. So principal specific heat at constant pressure and principal specific heat at constant volume, it is derived by CV. So ye hai. Aur temperature gradient jo hai, temperature gradient is defined as the delta theta upon delta x, or we can see d theta by dx. Hello. Then comes to coefficient of thermal conductivity. The coefficient of thermal conductivity is defined as k is equal to q upon a into d theta by dx into time. So ye hamko pata chalta hai. And here we can also say that this q divided by time t, dq by dt itself is called as the rate of heat flow, which is denoted by h. So we can also write this formula as like k is equal to h upon a into d theta by dx. Ye bhi ek tarah se hamara dusra form ho gaya, jo ki in terms of h hai. H matlab rate of heat flow. About. Then again, this d theta by dt, temperature gradient jo hai, so hum likh sakte is tarah se ka into theta 1 minus theta 2 upon L. No, this is not the correct formula. We can see that. Next is about, you can say,
The next is dq by dt. The rate at which the heat is conducted through composite block. So composite block के अंदर अगर हमको rate of heat conducted निकालना है, तो उसके लिए हमको पता चलता है dq by dt is equal to, ये हमने कल भी derive किया था already, and Newton's law of cooling finally, which you have just seen now, that tells us d theta by dt is equal to k into theta minus theta naught. This is the Newton's law of cooling. So here you'll see all these formulae and all the physical quantities, their symbols and their SI units. Right. Now we'll see the numericals. Okay, see this is the question. So ye numerical question hai. Isme bataya ja raha hai ki a copper rod 1.7 meter long increases its in length by 1.5 millimeter when it is heated from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius. Find the coefficient of linear expansion of copper. So agar suppose humko copper ka linear expansion coefficient nikalna hai, to usme yahan jo diya hua hai wo cheeze hum ek baar likh lenge proper. To isme dikha ja raha hai ki copper rod 1.7 meter long, to iska matlab hum uska jo length hai at 0 degree Celsius, l naught jisko hum bol sakte hain, to wo diya hua hai yahan pe 1.7 meter, no doubt. And at the same time here the length of the rod is given to be 1.5 millimeter more. So isme yahan pe diya hua hai ki it increases in length by 1.5 millimeter. Iska matlab ye jo 1.5 millimeter hai, ye kya ho gaya? Ye ho gaya increase in the length of the rod, which means that it is going to be LT minus L naught. That is going to be 1.5 millimeter. So millimeter ko hum jante hai, इसको हमको कन्वर्ट करना होता है मीटर के अंदर, तो वो बन जाएगा 1.5 मिलीमीटर, दैट मींस 1.5 इनटू 10 टू माइनस 3 मीटर. एंड द टेंपरेचर का जो चेंज है वो हमको दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब है कि टी टेंपरेचर इज गोइंग टू बी 50 डिग्री सेल्सियस. 50 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर यहां पे दिया हुआ है. तो इससे हमको अल्फा निकालना है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब ही अल्फा हमको निकालना है. अल्फा के लिए हमारे पास सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही है, जो कि एल टी माइनस एल नॉट, दैट इज डिवाइडेड बाय एल नॉट इनटू टी. तो ये अगर फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमको ये सीधा मिल जाएगा. एल टी माइनस एल नॉट का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 1.5 इनटू 10 रेज टू माइनस 3, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय एल नॉट इटसेल्फ, व्हिच इज गिवन टू बी 1.7 एज यू कैन सी. And that is multiplied by time, which is 50 here. 50, sorry, temperature, sorry, temperature, which is 50 degrees Celsius here. So we can say this can be solved easily. So if we solve it again, so we get something like this. This 10 to the minus 3 ko waise hi samne rakho, side mein rakho, or 1.5 as it is. And if we reduce this, in program reduce karenge, we have 1.7 into 10 raised to minus 5 will accept it. So this will be the final answer. Let us go to the next question. The length of metal rod increases by 1.5 meter when its temperature is increased to 300 degrees Celsius from 40 degrees Celsius. Determine the original length of the rod. So we have to find out the original length of the rod. If its temperature is increased from 40 degrees Celsius to 300 degrees Celsius and its increase in length is 1.5 meter. Okay. So see, whatever is given here, and alpha is also given. So forget that. So if you use all these things in the formula, just like we have to know that the formula which alpha we have to use, it should be something like this. Because you have इनिशियल लेंथ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला लेंथ नहीं है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे L2 माइनस L1 अपॉन सिंपली L1 इनटू T2 माइनस T1, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. एक्चुअली इसको यूज करके इसको आगे बढ़ा सकेंगे और इसको लिख सकेंगे L2. अब इसमें हमको निकालना क्या है ना, L1 निकालना है, L1 और दिया हुआ क्या है चेक करो एक बार ठीक से, तो पता चलेगा कि दिस मेटल रॉड इंक्रीजेस बाय, मतलब ये 1.5 मीटर जो दिया हुआ है वो एक्चुअली चेंज इन लेंथ है.
तो इसको हम लिख देंगे L2 माइनस L1 which is going to be 1.5 meter. दूसरी तरफ टेम्परेचर जो है वो T2 जो दिया हुआ है T2 is given to be 300 degree Celsius and T1 is given to be 40 degree Celsius and alpha is also given. So we can plug all these values here in this formula and get this. अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे क्योंकि जबकि हमको L1 निकालना है तो L1 को उस तरफ लेके जाना ठीक होगा तो L1 इस तरफ लेके गए और इस तरफ फिर बाकी अल्फा को लेके जाएंगे नीचे तो वो बन जाएगा सीधा L2 माइनस L1 दैट इज डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू T2 माइनस T1. ओके तो ये हमको मिल रहा है और फिर अगर इसको हम यूज करेंगे तो हमको L1 का वैल्यू आराम से मिल जाएगा L1 that is equal to L2 minus L1. So L2 minus L1 to already हमारे पास है 1.5 and alpha is already there which is 2.75 into 10 raised to minus 5 and T2 minus T1 that is the temperature change which is 300 minus 40 which becomes actually 260. Yes, we can write this as 1.5 as it is in upon 2.75 into 10 raised to minus 5 into ये बन गया 260. और ये बन गया 260. अभी अगर ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी ऑप्टिकल से हम कर सकते हैं आराम से इससे हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा. तो मोस्ट रिड्यूस करना है तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं आराम से 5 से अगर रिड्यूस करते हैं इवन 5 से रिड्यूस करने से ये बन जाएगा 0.3 और यहां पे बन जाएगा 0.5 एंड 5 ठीक है ना. तो ये 0.3 अपॉन 0.55 इनटू 10 रेस टू माइनस 5 इनटू 260 इसको हम और थोड़ा रीरेज करेंगे तो सबसे पहले तो ये 0.3 और 0.55 इनका पॉइंट जो है वो एक डिजिट अगर आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 एज इट इज एंड इंटू 260 एज इट इज. अब ये 260 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा 55 और इस 10 raised to minus 5 को अगर उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा into 10 raised to 5 और यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 as it is upon 55 into 26 तो ये जो भी बनेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. This is the next question. Just read this once. A thin iron plate has a length of 30 cm and width of 20 cm and at 25 degrees Celsius. Okay. Find its area when it is heated to 150 degrees Celsius temperature. Alpha is already given. So, we have to see that 25 degrees Celsius is the length or width diya hua hai. उसको हमको उसे हम एरिया निकाल सकते हैं उसका ओरिजिनल एरिया जिसको हम A1 से डिनोट कर सकते हैं जो कि 30 सेंटीमीटर उसका लेंथ और 20 सेंटीमीटर उसका ब्रेड्थ उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको मिल जाएगा जो कि बनेगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये बन गया उसका ओरिजिनल एरिया एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दैट इज T1 इज ऑलरेडी गिवन टू बी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और T2 जो दिया हुआ है वो 150 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और A2 हमको ढूंढना है. देखो ठीक से T2 इज ऑलरेडी गिवन टू बी 150 डिग्री सेल्सियस एंड A2 इज गोइंग टू बी फाउंड आउट. अभी ये आपको पता है ऑलरेडी कि A2 और A1 के बीच में जो रिलेशनशिप होता है तो वो इस तरह से होता है कुछ A2 इज ऑलवेज इक्वल टू A1 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इनटू T2 minus T1, correct?
तो अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसके लिए हमको बीटा चाहिए, तो बीटा जो है वो हमको पता है। अब यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अल्फा तो दिया हुआ है 12 × 10⁻⁶, बट इट्स ऑफ नो यूज बिकॉज वी वॉन्ट बीटा इन दिस फॉर्मूला, बट वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा, विच इज दैट सिंपली बीटा इज इक्वल टू 2 times ऑफ अल्फा। तो अगर ये बात यूज करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि 2 × ये जो है 12, तो 12 × 10⁻⁶ ये अगर यूज कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा आराम से 24 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, एंड दिस विल बी एक्चुअली द वैल्यू ऑफ बीटा व्हिच कैन बी यूज्ड हियर इन दिस एक्सप्रेशन, सो दैट वी कैन गेट दिस A2। तो A2 हमको मिल जाएगा आराम से A1 व्हिच इज गोइंग टू बी 600। Obviously, we have kept this A1 in centimeter square, so we can expect A2 also in centimeter square only. So if you don't want it in centimeter square, then just convert it into meter square. We use the conversion factor that 1 centimeter square is always equal to 10⁻⁴ meter square. The other way to say, so ye conversion factors hai ke beech mein ka. So yahan pe aa jayega 1 + beta, which is 24 × 10⁻⁶, and that is to be multiplied by the temperature change, that is 150 − 25, and then we can just solve this further so as to get 600 as it is into 1 + what is this 24 × 10⁻⁶ into what is this 125, so ये बन गया 125। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो हम देख पाएंगे तो दिस विल बी 600 into 1 + फिर इट इज गोइंग टू बी 125 × 24, जैसा कि हम जानते हैं 125 × 8, ऑलवेज रिमेम्बर इट इज ऑलवेज 1000। तो अगर ये बात यूज करेंगे तो 24 कैन बी रिटन एज 3 × 8, right? So if we say this 125 × 8 × 3, so this becomes 1000, and hence we get this as a 3000 as a final. So this is going to be 3000, and then we can replace it here so as to get this 3000 multiplied by 10⁻⁶, which actually becomes 600 multiplied by 1 + what is this 0.003, and then we can get this as 600, open the bracket and get this as 600 into 1, that is 600 + for the 600 into 0.003, so 6 × 3 = 18, but we have to shift and 1800 yahan pe banega, ye 1800 to banega, lekin yahan pe humko 0.3 digit shift karna padega piche, to yahan se agar jayenge piche 1, 2, 3 point piche, to ye ban gaya 1.8 as a final. So we can say this will be 1.8, and if we add this 600 and 1.8, then we can get this as 601.8, and that is it also in centimeter square. So this is going to be the final area that is we want. Here it is. Just read it once. So it tells us that the volume expansion, volume of a metal sphere, increases by 1.5% when it is heated from 25 °C to 200 °C. Determine its coefficient of superficial expansion and the coefficient of cubical expansion. देखो इसमें जो बताया जा रहा है कि volume of a metal sphere increases by 1.5%. What does it mean? The final volume V2 is going to be equal to the initial volume V1 plus 1.5% of original volume, that is V1 only. इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा V2 − V1 is equal to 1.5/100 × V1. जिसको आगे जाके हम लिख सकते हैं इसमें V2 − V1 / V1 itself is going to be equal to 1.5 × 10⁻²। सब इसको लिख सकते हैं आराम से। तो ये हो गया V2 − V1 / V1 का वैल्यू।
और लेकिन जैसे कि हम जानते हैं जो फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, वो ये कहता है कि गामा का जो फॉर्मूला है, गामा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, इट इज एक्चुअली गामा इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन इन टू टी टू माइनस टी वन, ये फॉर्मूला मिलता है गामा के लिए। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख सकेंगे कि v2 minus v1 upon v1 can also be written to be equal to gamma times t2 minus t1, right? तो अगर ये v2 minus v1 का जो वैल्यू यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा gamma into t2 minus t1, that is equal to 1.5 into 10 raised to minus 2. And then we can just put the value of change in temperature, which is already here. See here, 25 and 200. These are the initial and final temperatures. So the temperature change actually becomes equal to 200 minus 25. That is going to be equal to 1.5 into 10 raised to minus 2. So that gamma can be written to be equal to gamma hamara ban jayega 1.5 into 10 raised to minus 2 divided by 200 minus 25, which it is 175, as you can see. And then we can just divide this by 5, actually. So, so we can get 5, say we reduce karenge, we will get 0.3. So, we will reduce karenge. तो ये बन जाएगा 0.3 और ये बन जाएगा हमारा 5 3 and 5 ठीक है, तो 35 और उसकी वजह से ये जो हमारा बन रहा है जाएगा 0.3 into 10 raised to minus 2, the whole divided by 35, which is going to be 0.3. So 3 upon 35 into 10 raised to minus 3. So we will solve it. And this can be easily solved by using log tables or anyways. So we will bring it. So we will just throw it in. आएगा वो गामा मिलेगा हमको। Once we get gamma, we can just divide it by 3, so as to get alpha, and divided by अच्छा ये भी हमको याद रखना चाहिए तरह से कि गामा और बीटा और अल्फा के बीच में भी रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे जब हमको ये पूछा है कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन का भी कोएफिशिएंट हमको पूछा है, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन का तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमको मिल जाएगा आराम से, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन मिलने के लिए और थोड़ा काम करना पड़ेगा आगे। तो वंस वी गेट दिस गामा, वी कैन यूज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। तो इसमें अल्फा तो हमको दिया है ही नहीं और चाहिए भी नहीं, तो उसको अगर छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा बीटा अपॉन 2 इज गोइंग टू इक्वल टू गामा अपॉन 3, जिससे हमको मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2/3 times of gamma। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यूज करके हमको बीटा मिल जाएगा, क्योंकि गामा तो हमको डायरेक्ट मिल रहा है इस इक्वेशन में से, तो उसको यूज करने के बाद हमको बीटा मिल जाएगा इस इक्वेशन से। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस।